हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को और एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप WhatsApp पर मैसेज सेंड करने के बाद भी 15 मिनट्स के अंदर उसे एडिट कर सकते हो, ताकि अगर गलती से भी कुछ उल्टा सीधा मैसेज सेंड हो जाए तो आप उसे एडिट करके ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाके आपको क्या करना है, अपने जो WhatsApp एप्लीकेशन है उसके जो लेटेस्ट वर्जन है उसे आप लोगों को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड नहीं करते तो ये जो नया फीचर्स है ये आपके मोबाइल पे यानी आपके जो WhatsApp है इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट्स न्यू करके जो अपडेट आया है, इसमें जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए अपडेट क्या आया है, नया अपडेट, यू कैन नाउ एडिट मैसेजेस अप टू 15 मिनट्स आफ्टर सेंडिंग। इसका मतलब क्या है, आप अगर WhatsApp पे किसी को मैसेज सेंड कर देते हो उसके बाद भी 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप क्या कर पाएंगे, उस मैसेज को आप एडिट करके दोबारा सेंड कर पाएंगे। आपको इसलिए WhatsApp मैसेज को डिलीट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो फिर पेज को फॉलो करके हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए मैं अपनी WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं एक WhatsApp एप्लीकेशन से मेरे दूसरे WhatsApp एप्लीकेशन पे मैसेज सेंड करूँगा, उसके बाद उसे एडिट करके भी आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा। बाय द वे अगर आपको नहीं पता कि कैसे आप मेरी तरह तीन अलग अलग एप्लीकेशन को यानी तीन अलग अलग WhatsApp एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, तो फिर आप क्या कीजिएगा, आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कैसे आप भी तीन अलग अलग WhatsApp को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब मैं एक WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन से मेरे जो दूसरे एप्लीकेशन है यानी दूसरे WhatsApp नंबर है उसमें मैं कुछ मैसेज सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं रेंडमली एक मैसेज लिख देता हूँ कि हाय फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए हाय फ्रेंड्स मैंने लिख दिया, अब मैं इसे सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने सेंड किया देखिए दूसरे WhatsApp की तरफ से उस नोटिफिकेशन भी हमें मिल गया कि ये मैसेज जो है ये सेंड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे दूसरे जो WhatsApp एप्लीकेशन है उसकी तरफ से इस नंबर पे मैसेज आ चुका है कि हाय फ्रेंड्स। इसे चाहे तो मैं देख भी सकता हूँ, नहीं भी देख सकता हूँ, यहाँ पे देख भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे हाय फ्रेंड्स आ चुका है। अब मैं फिर से उस मैसेज को एडिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से उस मैसेज पर चला जाऊँगा। यहाँ पे देखिए जो मैं सेंड किया था, यहाँ पे देखिए हाय फ्रेंड्स। तो इसको एडिट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको थोड़ा सा इस मैसेज पे प्रेस करके होल्ड करना है। यहाँ पे जैसे ही मैंने होल्ड किया आप देखिए कुछ अलग अलग ऑप्शन आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए राइट साइड ऊपर कॉर्नर पे थ्री डॉट दिख रहा है, इसमें हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एडिट ऑप्शन आ चुका है, इसमें हमें क्लिक कर लेना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मर्जी आप एडिट करके सेंड कर सकते हो। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आप लिख देता हूँ कैसे हो दोस्त, कैसे हो मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए मैं पूरा ना जो मैसेज है इसे मैं पूरा एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा तो अब मैंने लिख दिया कि कैसे हो मेरे दोस्त, एक स्टिकर भी इसमें भेज देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक स्टिकर भी सेंड कर रहा हूँ, यार एक स्टिकर भी मैंने सेंड कर दिया। यहाँ पे देखिए सेंड हो चुका है। अब देखिए पुराना जो मैसेज था कि हाय फ्रेंड्स ये चला गया है। अब मैं उस एप्लीकेशन पे जाके भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए बैक जा रहा हूँ मैं, अब मैं इस एप्लीकेशन को फिर से आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए जो पहले क्या था, देखिए यहाँ पे जो मैसेज था कि हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चेंज होके क्या आ चुका है कि कैसे हो मेरे दोस्त, ये एडिटेड मैसेज आ चुका है। और यहाँ पे हमें एक सिग्नल भी दिख रहा है कि ये जो मैसेज एडिट किया गया है इसका एक सिंबल भी यहाँ पे दिख रहा है कि एडिटेड, यानी पहले कुछ और था और एडिट करके इसे चेंज किया गया है। तो दोस्तों ऐसे करके आप क्या कर पाएंगे, आप अपने WhatsApp एप्लीकेशन से किसी को भी अगर मैसेज सेंड करते हो उसके बाद आपको लगता है कि आपने कुछ उल्टा सीधा भेज दिया है या फिर आपने जो मैसेज किया है उसे आपको नहीं करना चाहिए था, तो आप क्या कर पाएंगे, दोबारा उस मैसेज को एडिट करके आपके जैसे मर्जी वैसे सेंड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको पुराना जो मैसेज है उसे डिलीट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो आयुष की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो फिर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी WhatsApp की ये जो नए फीचर्स है इसके बारे में पता चले।